तो हे एवरीवन, आप सभी वेट कर रहे थे कि पीसी बिल्ड वीडियो लेकर आओ। तो भाई यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ पीसी टूर वीडियो। ये होम टूर वीडियो नहीं है, ये है पीसी बिल्ड वीडियो। ठीक है, जो होम टूर वीडियो वो आएगी, थोड़ी लेट आएगी। तो अब इंजॉय करो आप पीसी टूर वीडियो की। इससे पता चलेगा कि मैंने कहाँ से बनवाया, कैसे बनवाया, क्या क्या डलवाया इसमें। तो पूरी वीडियो देखना एंड आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर कर देना एंड घंटा बजा देना और सेट कर देना उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो केसी इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पे चंडीगढ़ से मैंने यहाँ पे अपना पीसी बिल्ड करवाया था। बहुत ही बढ़िया लगा था, सबका नेचर बहुत ही बढ़िया लगा था। तो बनवाया था मैंने यहाँ से, कैबिनेट था यहाँ पर मेरा 6000 से 7000 के बीच में मैंने अपना कैबिनेट बनवाया है। यहाँ पर देख सकते हो कितना प्यारा ब्लैक कैबिनेट है यहाँ पर। एंड उसके बाद यहाँ पे मदरबोर्ड देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, 15-16 हज़ार के बीच में था ये यहाँ पर मेरा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो i5 14th generation का मेरा ये प्रोसेसर था, जो पड़ा मेरे को 23 से 24 हज़ार के बीच में पड़ा मेरे को, ये भी मेरे को बढ़िया लगा। एंड उसके बाद भाई यहाँ पे बिल्ड कर रहे थे बढ़िया तरीके से मेरा पीसी। एंड मेन चीज़ थी यहाँ पर जो थे वो है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड लगवाया है मैंने 4060 8GB रैम का, जो मेरे को पड़ गया था 29 से 30 हज़ार के बीच में। एंड मेरा पावर सप्लायर था, पावर सप्लायर जो था 650 वॉट गोल्ड था, जो मेरे को पड़ा था 5000 से 6000 के बीच में। एंड मैंने लगवाया था लिक्विड कूलर AIO, जो बहुत ही अच्छा था, 6000 से 7000 के बीच में वो पड़ गया था। एंड इसी तरह मैंने अपना सेटअप करवाया है। एंड जो मेरा मॉनिटर था MSI का 12 से 13 हज़ार का बीच में था, जो 144 Hz का था। तो टोटल प्राइस आप बताना यार कमेंट करके कि कितना हुआ। एंड ये कैबिनेट मेरा बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हो रहा था, उसके बाद इन्होंने रेडी कर लिया एंड वो रेडी हो चुका था, जो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा था देख सकते हो। एंड ट्यूटोरियल मैंने पूरा दे लिया, रैंडमली मेरे प्राइस बता लिया, उसके बाद देख सकते हो मेरा पीसी कैसा दिख रहा था।